भिवंडी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री एडवोकेट अर्शल पाटिल जी ने नए जिला कार्यकारिणी नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कपिल पाटिल, विधायक श्री महेश चौगले, भारतीय जनता पार्टी के माजी अध्यक्ष व चुनाव प्रमुख भिवंडी पूर्व क्षेत्र के श्री संतोष शेट्टी जी के हाथों से सभी लोगों को पद सौंपे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के पद राजू राजैया गाजेंद्र को दिए हैं। भिवंडी शहर में लाखों की संख्या में पद्मशाली तेलुगु समाज के लोग रहते हैं। सभी लोगों ने राजू गाजेंद्र जी को भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पद अध्यक्ष अर्शल पाटिल जी ने दिए तो खुशी जताए है। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल, विधायक महेश चौगले, संतोष शेट्टी जी के हाथों से महासचिव प्रमाण पत्र उनको सौंपे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित महासचिव राजू गाजेंद्र जी से एसएनएन न्यूज के गणेश चिल्का ने एक खास मुलाकात की। आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले हमारे मंत्री महोदय कपिल जी पाटिल, हमारे सम्माननीय संतोष शेट्टी जी, हमारे सम्माननीय आमदार महेश चौगले जी, हमारे सबके लाडले नया जिलाध्यक्ष अर्शल पाटिल जी का आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखकर जो महान सचिव इस पद पे रखा दिया है, साथ ही साथ सभी जाति सभी धर्म के लोगों को उन्होंने इसमें स्थान दिया है। इसमें खासकर मैं हमारे समाज के लोगों को भी, जिनको भी पद मिला, उन सब का भी अभिनंदन करता हूँ। और सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोगों को पद दिया है, उनके लिए नियुक्ति दिया, जवाबदारी दिया, जवाबदारी का काम क्या है उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ बताया, तो सभी को जवाबदारी के साथ आगे काम करने की चेतावनी देता हूँ। आप कहाँ से शुरुआत करेंगे पहले? शुरुआत तो हम लोग कब के कर चुके हैं, जहाँ से हमारे अध्यक्ष काम बताएंगे वहाँ से शुरू करना है। हमें अभी मुख्य काम है कि नया वोटर की नोंदनी करना, हर घर जाकर हर घर में मिलके हमको घर घर प्रवेश का ये करना है, तो वो सब कार्य हमारे चालू रहेंगे। डेपो कमेटी बन गई मगर पदाधिकारी कुछ काम नहीं करते, क्या कर सकते उनको? सभी लोग काम करने की चेतावनी यहाँ पे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ये पद नहीं रहता है, ये जवाबदारी रहता है, और सबको यहाँ ताकीद दिया गया कि जिनको जिनको जवाबदारी दे रहे हैं, अगर आपसे जवाबदारी पहला नहीं जाएगा तो आपका जवाबदारी निकाल दिया भी जाएगा, ऐसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सबको संदेश दिया है। 101% मोदी जी फिर से हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे मंत्री महोदय सम्माननीय कपिल पाटिल जी ये फिर से हमारे यहाँ के खासदार बनेंगे। हमारे यहाँ दोनों विधानसभा है, दोनों विधानसभा में संतोष अन्ना शेट्टी और महेश चौगले जी ये आमदार बनेंगे, और जो जी हो यहाँ पे महापौर भी भिवंडी का बनाने, भिवंडी में महापौर भी भाजपा का बनाने का एक संकल्प आज हमारे जिलाध्यक्ष ने लिया है।